स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आधुनिक भारत का इतिहास। और आज यह है दूसरी क्लास। पहली क्लास में मैंने आप सबको बताया कि भारत का इतिहास जो इतिहास से भी पुराना था, भारत का अतीत इतना गौरवमयी था, भारत आर्थिक रूप से इतना समृद्ध देश था, सोने की चिड़िया था कि अरब और यूरोप के व्यापारी भारत से व्यापार करने के लिए हमेशा लालायित रहे और जब भी मौका मिला तो उन्होंने पीठ पीछे छुरा भोंकने का काम किया। मैंने बताया आप सबसे कि समुद्र के रास्ते भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यक्ति जिसका नाम था वास्को डिगामा जो कि 20 मई 1498 को कहां पर कालीकट पहुंचा था। ये पिछली क्लास में मैं बता चुका हूं, आप लोगों को बताना पड़ता है कि पिछली क्लास में ये बताया गया और इस क्लास में अब यहां से आगे। तो पिछली क्लास में, पिछले एपिसोड में मैंने बताया आप सबसे कि वास्को डिगामा समुद्र के रास्ते भारत आने वाला पहला पुर्तगाली जो कि कालीकट में आया था, कोची में आया था, कप्पक डापू बंदरगाह पर आया था जो कि वेलिंगटन द्वीप पर आज भी जो है स्थित है, तब भी जो है स्थित था। और उसके बाद वास्को डिगामा भारत में 3 बार आता है, एक बार समुद्री यात्री के रूप में 1498 में, दूसरी बार 1502 में अपने राजा हेनरी नेविगेटर के प्रतिनिधि के रूप में आता है और तीसरी बार वायसराय बनकर के आता है। इवन दैट भारत से इतना वो प्रभावित हुआ कि वर्ष 1524 में जब उसकी मौत हो गई तो उसको भारत में ही उसकी इच्छा के अनुसार दफना दिया गया। कहां पर? कोची में। अब भारत में जो लोग व्यापार करने के लिए आए थे, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की कमजोरियों का फायदा उठा करके भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया और भारत और जो है यूरोप के बीच में समुद्री मार्ग की तलाश जो की गई थी उसकी शुरुआत श्री गणेश जो है किया था, जिस व्यक्ति ने, उसका नाम था वास्को डिगामा। और उसके बाद जो सिलसिला जो है शुरू हुआ वास्को डिगामा से, अब एक एक करके जो है बहुत से पुर्तगाली भारत में आने लगे थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले भारत में पुर्तगीज गवर्नमेंट ने अपने वायसरायों को जो है भेजा और भारत आने वाला पहला पुर्तगाली वायसराय था जिसका नाम था फ्रांसिस्को अल्मीडा। क्या नाम था? फ्रांसिस्को अल्मीडा। और फ्रांसिस्को अल्मीडा जो है भारत में कब वायसराय बना करके भेजा जाता है तो आप जैसा कि यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे वर्ष 1505 में भारत का वायसराय बना करके भेजा गया और 1505 से लेकर के 1509 तक जो है शासन करता है। कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और ये अपनी शांत जल की नीति के लिए जो है विश्व प्रसिद्ध हुआ। किसके लिए? शांत जल की नीति। शांत जल की नीति यानी इसी को और किस नाम से जाना गया तो आप कहेंगे ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना गया। किस नाम से? ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जो है इसे जाना गया था, ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना गया। और इसके बाद जो है भारत में अगला व्यक्ति जो आता है उसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो कि भारत आने वाला यह दूसरा वायसराय था और 1509 से लेकर के 1515 तक शासन करता है। इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है किसको? जी हां, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। अब आइए एक एक करके जो है इनके बारे में कुछ बातें देखते हैं। जो महोदय आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर ये वही है। कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, यानी भारत में पहला पुर्तगीज यानी पुर्तगाली गवर्नर या पुर्तगाली वायसराय। और मैंने बताया कि इसे जो है अपनी शांत जल की नीति के लिए या ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए जाना गया था। किसको? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को। इसने भारत और भारत के पड़ोसी देशों के साथ जो है व्यापार किया और जब मौका मिला तब जो है उनको पार करने का काम किया और इसी के शासनकाल में श्रीलंका के कुछ हिस्सों पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। आपसे पूछा जाता है किस फ्रांसीसी
किस जो है पुर्तगाल गवर्नर के शासनकाल में श्रीलंका पर अधिकार किया गया, तो आप कहेंगे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के टाइम पीरियड में, और कब, तो आप कहेंगे कि 1506-07 में श्रीलंका पर पुर्तगालियों का आंशिक अधिकार हो गया। आंशिक मतलब जो है उसके कुछ हिस्सों पर जो है आंशिक अधिकार हुआ और स्पेशली कौन सा क्षेत्र, तो आप कहेंगे कि जाफना का क्षेत्र। कहां पर? जाफना वाला जो बेल्ट है, जाफना जो द्वीप है श्रीलंका का, जाफना पर जो है इन लोगों ने अपना अधिकार कर लिया। किन लोगों ने? पुर्तगालियों ने। उसका श्री गणेश किसने किया? तो आप कहेंगे अल्फांसो डी अल्मेडा के द्वारा जो है किया गया था। और इसी के शासनकाल में भारत के पड़ोसी देशों के साथ जो है व्यापारिक संबंध स्थापित किए गए। क्या किए गए थे? व्यापारिक संबंध पड़ोसी देशों के साथ स्थापित किया गया। इन्होंने व्यापार तो जो है खूब ढंग से किया। भारत से व्यापार करने के वजह से यूरोप में पुर्तगाल एक बहुत बड़ी जो है आर्थिक शक्ति बना। लेकिन जिस उद्देश्य के वास्ते इनको भारत में भेजा गया था, उसको पूरा करने में ये कामयाब हुआ नहीं, तो वहां की गवर्नमेंट ने जो है इनको वापस बुला लिया। हालांकि तुर्की, मिस्र और गुजरात की जो सम्मिलित सेना थी उसको पराजित करने में ये कामयाब रहा था। बहरहाल इसको वापस बुला लिया जाता है और इसके जगह पर जो दूसरा वायसराय बुलाया गया उसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्या नाम था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये दिख रहा है ना छोटी सी दाढ़ी में ये आदमी, ये जैसा मासूम दिख रहा है उससे भी बड़ा जो है खतरनाक आदमी था। कौन? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। मैंने अभी आपको पीछे बताया भी था क्या भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, कौन था? तो आप कहेंगे कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क वास्तविक संस्थापक जो है कौन था? तो वास्तविक संस्थापक था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और ये भारत में जो है आए तो व्यापार के साथ साथ जो है भारतीय क्षेत्रों पर अपना साम्राज्य स्थापित करने में भी जो है सफलता अर्जित की। कहा जाता है कि इन्हीं के टाइम पीरियड में सिंधुदुर्ग, जो कि आज भी महाराष्ट्र का जिला है, उन क्षेत्रों में एक आम पाया जाता है स्पेशली, जिसको कि अब अल्फांसो आम जो है कहा जाता है। मराठी भाषा में उस आम को जो है वहां के लोग हापुस के नाम से जो है जानते थे। किस नाम से? हापुस के नाम से जो है जाना जाता था, जो कि अपने बेहतरीन स्वाद और जो है स्मेल, गंध के लिए, महक के लिए जो है जाना जाता है। इन्होंने उस आम का यूरोप के देशों में इतना अधिक जो है एक्सपोर्ट कराया कि यूरोप के देशों में उस आम का नाम ही अल्फांसो पड़ गया। और हालात ऐसे हुए कि बाद के दिनों में भारत में भी भारत के लोग उस आम का जो है वास्तविक नाम जो है भूल गए और उसको किस नाम से जानना लगे। आज भी भारत में अल्फांसो आम जो लोग बॉम्बे या महाराष्ट्र में जो है गए होंगे तो जानते होंगे। महाराष्ट्र को बकायदे अल्फांसो आम के लिए जो है GI टैग जो है दिया गया है। भारत में सबसे महंगा ये आम बेचा जाता है। लगभग आपके घर में कोई होगा बंबई का, तो जो है बंबई में रहता होगा तो पूछना, बड़ा पिछले साल जो है 5,000 से 6,000 रुपया पर केजी के आसपास जो है ये चला था। बहरहाल अल्बुकर्क जो है ये वास्तविक संस्थापक, और इसी के टाइम पीरियड में ये जब जो है भारत आता है तो इसका भी पहले आगमन भारत में जो है होता है। कहाँ पर? तो यहीं पर आगमन होता है। ये उस समय सबका ठेका यही ले रहे थे। कौन? जमोरिन। यहाँ का शासक था कौन? जमोरिन। मैंने बताया कि जब जमोरिन एंड कंपनी, वास्को डी गामा भी 1498 में आया था, तो उस समय भी यहाँ के शासक कौन थे? तो उस समय भी जो है जमोरिन थे। जमोरिन अब यहाँ जो है ये आता है, और यहीं पर तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। किसके शासनकाल में? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क के शासनकाल में यहाँ पर पहली पुर्तगाली फैक्ट्री यहीं पर स्थापित की गई थी। प्रथम पुर्तगाली शक्ति, पुर्तगाली फैक्ट्री,
उस समय की फैक्ट्री फैक्ट्री नहीं होती थी, फैक्ट्री नहीं होती थी, बल्कि जो है आप कह सकते हो कि गोदाम की तरह जो है होता था, और भारत से ये लोग सामान खरीद करके उसमें जो है रखते थे, और उसमें जब जो है पूरी तरीके से जो है वो फुल कर लिया जाता था तो जहाज़ों पर लाद करके उसे अपने देश भेज दिया जाता था, यानी यूरोप भेज दिया जाता था, और वहाँ से कच्चे माल जो है फिर उठा करके भारत लाए जाते थे। तो उस समय की फैक्ट्री फैक्ट्री नहीं बल्कि जो है गोडाउन की तरह जो है काम करती थी, नाम फैक्ट्री था वो अलग बात थी। इन्हीं के टाइम पीरियड में भारत में पहली जो है पुर्तगाली फैक्ट्री स्थापित की जाती है, और कब स्थापित की गई तो 1503 में स्थापित की गई। कहां पर स्थापित की गई तो आप कहेंगे कि जो है कोच्ची में स्थापित की गई, इस वाले बेल्ट पर जो है स्थापित की गई। यानी भारत में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री का जो है संस्थापक कौन था तो आप कहेंगे कि उसका संस्थापक जो है अल्बुकर्क था, अल्बू डी कर्क था। लेकिन इस बात का जो है ध्यान रखेंगे कि यह वायसराय के रूप में जो है भारत में 1509 से लेकर के जो है 1515 तक रहा है, लेकिन लेकिन जब जो है यह फैक्ट्री की स्थापना कराया तब जो है यह वायसराय भारत का नहीं था, पुर्तगालियों का वायसराय नहीं था, बल्कि जो है उस समय अपनी यूनिट का जो है कैप्टन हुआ करता था। तो पहली पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना जब दूसरी बार जो है आया था वास्को डी गामा 1502 में, उसी समय किया गया था, और उसके साथ जो है ये भी महोदय एज ए कैप्टन के रूप में आए थे, और इन्हीं के देखरेख में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना जो है कराई जाती है। बढ़ते हैं अगले आगे की तरफ। यहां पर दिया है पुर्तगालियों का वर्चस्व। पुर्तगाली हिंदुस्तान में आए थे व्यापार करने के लिए, ठीक वैसे ही जैसे अरब वाले भारत में आए व्यापार करने के लिए, तुर्क भारत में आए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन जिनको जब मौका मिला तब उन्होंने जो है मौका का फायदा उठाया। और हम भारत के लोग हद से ज्यादा जो है अतिथि देवो भव की भावना में रह गए, और उसका परिणाम हुआ कि हिंदुस्तान हजारों वर्षों तक विदेशियों का गुलाम रहा। हुआ यूं, मार्मा गोवा आज भी, अगर जो है आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मार्मा गोवा आज भी जो है कहां भारत के किस राज्य में है तो गोवा में स्थित है। और मार्मा गोवा वर्तमान समय में एक बंदरगाह है, एक पोर्ट है, जहां पर दो नदियां आकर के जो है मिलती हैं, दो नदियां आकर के जो है मिलती हैं। एक नदी जो है यहां पर मिलती है जिसका नाम है, एक नदी मिलती है जिसका नाम है मांडवी। क्या नाम है? मांडवी। और दूसरी नदी आकर के मिलती है, उस नदी का नाम है जुवारी। क्या नाम है? जुवारी। मांडवी और जुवारी नदियों के जो है संगम पर ही मार्मा गोवा पोर्ट था, उस समय भी इस समय भी। और व्यापार के दृष्टिकोण से जो है ये बहुत महत्वपूर्ण था। तो सबसे पहले इन लोगों ने जो है मार्मा गोवा पर अधिकार किया, और मार्मा गोवा पर अधिकार करने के लिए मार्मा गोवा का युद्ध मैंने बताया ना कब हुआ था, 1510 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ तो आप कहेंगे पुर्तगाली, किसके किसके बीच? पुर्तगाली और कौन? आदिल यूसुफ शाह के बीच जो है ये युद्ध हुआ। उस युद्ध में ये वाले हिस्से पर शासन करने वाला जो है यहाँ का शासक, जिसका नाम था जो है जमोरिन। क्या नाम था? जमोरिन। जब इसको केरल कहा जाता था तब उसको केरल नहीं, मालाबार के नाम से, या फिर जो है उसको उन दिनों किस नाम से जाना जाता था, कालीकट के नाम से जो है जाना जाता था। जमोरिन तथा इस कोरोमंडल पर शासन करने वाला जो है यहाँ का शासक, जिसका नाम था जो है सिमूम, इन दोनों ने जो है मदद किया था। किसको? अल्बुकर्क को। अल्बुकर्क को जो है इन दोनों ने मिलकर के जो है साथ दिया, और उस समय यहाँ का शासक जो था जिसका नाम था आदिल शाह, जो कि आदिल शाही वंश का जो है राजा था, और आदिल शाही वंश का शासक था, इस पर इन दोनों को मिला करके और अटैक किया गया। पुर्तगालियों का उस समय जो है वायसराय, मैंने अभी बताया कि जो है कौन था? अल्बुकर्क था। कौन था? अल्बुकर्क था। और ये जो युद्ध हुआ 1510 में, उसका परिणाम क्या हुआ जो है पुर्तगाली विजयी हुए। पुर्तगाली भारतीय राजाओं को मिला करके ही और दूसरे राजा को पराजित कर दिया। हारने वाला भारत का था, हराने वाला भारत का था, लेकिन हम लोग हद से ज्यादा जो है सीधा थे, और उसके सीधापन का जो है फायदा उठाया गया। आप देखते हो जंगल में सबसे पहले वही पेड़ काटा जाता है जो बिल्कुल सबसे सीधा होता है, जो टेढ़ा मेढ़ा होता है ना। तो सीधा होना अच्छी बात है, लेकिन इतना सीधा जो है न हो जाओ कि सामने वाला जो है काटने पर तुल जाए और तुम समझ ना पाओ। लेकिन यहां पर यही हुआ था,
और हुआ क्या, इन दोनों को मिला करके और पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया, गोवा पर अधिकार कर लिया। और आपको जान करके जो है ताज्जुब होगा कि 1510 में गोवा पर पुर्तगालियों ने अधिकार किया तो 1961 तक, कब 1961 तक, यानी आजादी के 14 वर्ष बाद तक भी गोवा पर किसका अधिकार रहा था, पुर्तगालियों का अधिकार रहा है। आपसे पूछता है कि आजादी के 14 वर्ष बाद भी विदेशियों का गुलाम भारत का कौन सा राज्य था, तो सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर गोवा पुर्तगालियों का 14 वर्ष तक जो है गुलाम रहा था। और आपको जानकारी के लिए जो है बता दें कि उस समय आपसे पूछा जाता है कि जब पुर्तगालियों ने भारत पर जो है अधिकार किया तब दक्षिण भारत में किसका शासन था, तो उस समय दक्षिण भारत पर शासन कौन कर रहा था, दक्षिण भारत में शासन कर रहा था जो व्यक्ति, उनका नाम था क्या, कृष्णदेव राय। क्या नाम था, कृष्णदेव राय नाम था। कृष्णदेव राय आपको मैं पहले भी बताया, वर्ष 1509 से लेकर के और 1529 तक इनका शासनकाल था। भारत के सबसे जो है शक्तिशाली ताकतवर शासकों में से एक थे, जिनका नाम का जो है उल्लेख बाबर ने अपनी जीवनी तुजुक ए बाबरी में भी किया है, जिनके बारे में कहा गया कि अगर ये चाहे होते तो पुर्तगाली क्या किसी कोई भी विदेशी जो है दक्षिण भारत की तरफ कम से कम जो है आंख उठा करके देख नहीं सकता था। लेकिन उस समय राष्ट्रीय चेतना का जो है अभाव था, उस समय अपने साम्राज्य की चिंता होती थी, किसी को देश की चिंता जो है नहीं होती थी, और उसका फायदा जो है पुर्तगालियों ने उठाया। दूसरा वजह यह था कि यहां का शासक कहां का, गोवा का जो शासक था ये आदिल यूसुफ शाह आदिलशाही वंश का शासक था, और एक तरह से जो है कहो तो वर्ष 1347 में स्थापित किया गया जो दक्षिण भारत का एक साम्राज्य हसन गंगू के द्वारा स्थापित किया गया बहमनी साम्राज्य, उसी का ये अंग था। और बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय हमेशा एक दोनों ये जो है साम्राज्य एक दूसरे के शत्रु बने रहे, और इसीलिए जब मुस्लिम शासकों पर अटैक किया किन लोगों ने, पुर्तगालियों ने, तो कृष्णदेव राय ने इनका विरोध नहीं किया ना। हालांकि अल्बुकर्क ने जो है कृष्णदेव राय के दरबार में एक अपना जो है प्रतिनिधि भेजा था, और जिस प्रतिनिधि को जो है यहां पर भेजा गया उस प्रतिनिधि का नाम था जो है फिलिप। क्या नाम था, फिलिप नाम था। और फिलिप जो है सैन्य सहायता के लिए कृष्णदेव राय के पास जो है गया था, लेकिन कृष्णदेव राय का जो है मंत्री जिसका नाम था तेनालीरामा ने जो है सलाह देता है कृष्णदेव राय को कि एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरी जगह अगर कर्ज लेना पड़े तो पहले वाला कर्ज जो है लाख दर्जा बेहतर है। इन्होंने कहा कि वो भी विदेशी है, ये भी विदेशी है, बताने की जरूरत नहीं, ये आज शत्रु है ये कल शत्रु बनेगा। वो अलग बात थी कि कृष्णदेव राय ने जो है उसकी बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इन्होंने पुर्तगालियों को इतना ही नहीं भटकल में किला स्थापित करने का भी जो है परमिशन प्रदान कर दिया, और इनकी मदद की वजह से गोवा को ये जीतने में कामयाब रहे। और मैंने बताया कि 1510 से 1961 तक ऑपरेशन विजय के तहत वर्ष 1961 में अंततोगत्वा उस समय भारत के जो रक्षा मंत्री थे सरदार महोदय, उनके जो है प्रयासों से गोवा को अंततोगत्वा जो है प्राप्त किया गया। आज भी हम लोग 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस जो है मनाते हैं। गोवा को जो है किस अभियान के तहत जीता गया, अगर जो है आपसे पूछा जाए कि गोवा किस अभियान के तहत जो है जीता गया था, तो आप कहेंगे ऑपरेशन विजय के तहत जो है जीता गया था। कौन सा ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को फिर से प्राप्त किया गया। और कब प्राप्त किया गया, तो 19 दिसंबर वर्ष 1961 को। इसीलिए प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, उससे पहले जो है अगले जो है मैटर पे बढ़ते हैं, उससे पहले मैं बताऊं कि अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा कर लिया। गोवा पर कब्जा किया तो भारतीय लोगों की सहानुभूति को जो है जीतने के लिए, क्योंकि लड़ने वाले विदेशी थे लेकिन सबसे अधिक उनके सेना में काम करने वाले लोग हिंदुस्तान के लोग थे, हिंदू धर्म के मानने वाले लोग थे, तो जाहिर सी बात थे लड़ाई विदेशियों की थी, लेकिन सबसे अधिक मारे गए लोग कौन, भारत के। कहा जाता है कि अल्बुकर्क के द्वारा जब देखा गया कहां मांडवी नदी के तट पर हजारों चिताओं को जो है जलाए जाते हुए, आज के समय में जब जो है एक सैनिक
सरहद पर शहीद हो जाता है तो बड़े सम्मान के साथ जो है उसके डेड बॉडी को उसके गांव उसके घर लाया जाता है। लेकिन उन दिनों ऐसी कोई जो है बात नहीं थी। जब कोई बेटा, जब किसी का कोई भाई, किसी का पति जब शहीद हो जाता था युद्ध के क्षेत्र में और घर लौट करके नहीं आता था तो घर वाले समझ जाते थे कि उनके घर में कोई अनहोनी हो गई है। युद्ध समाप्त होने के बाद तो घर के लोग जो है जाकर के युद्ध के क्षेत्र में और अपने अपने परिजनों के लाशों को जो है उस वहां से उठाते थे और फिर उनका उस समय के रीति रिवाजों के अनुसार दाह संस्कार जो है किया जाता था। उस समय की परंपरा के अनुसार हिंदू धर्म का कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई, जब जो है वो मर जाता था, उसकी चिता सजाई जाती थी तो उसकी चिता पर उसकी पत्नी भी अपने पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए और सती हो जाती थी। इसी को सती प्रथा कहा गया और अल्बुकर्क ने इस पर रोक लगा दिया। तो इस तरह भारत में सती प्रथा पर रोक लगाने वाले पहले विदेशी व्यक्ति कौन थे? पुर्तगाली। और पुर्तगालियों में भी जो है पहला विदेशी व्यक्ति जो है कौन था? तो आप कहेंगे पहला विदेशी व्यक्ति जो था, उस पहला विदेशी व्यक्ति था और उसका नाम था जो है क्या? उसका नाम था अल्बुकर्क। अगर जो है पूछा जाए आपसे कि सती प्रथा पर जो है रोक किसने सबसे पहले लगाया, सती प्रथा पर जो है सती प्रथा को प्रतिबंधित किया किसने? तो जी हां, अल्बुकर्क ने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया। और युद्ध में शहीद होने वाली जो विधवाएं थीं, अब उन दिनों की परंपरा के अनुसार नहीं उनको अपने पति के घर में रहने दिया जाता था और नहीं उनको अपने पिता के घर में रहने दिया जाता था। जिसके पति का देहांत हो जाता था तो वो विधवा महिलाएं जहां कहां जाएंगी? उसके लिए भी जो है अल्बुकर्क ने जो है बीच का रास्ता निकाला और विधवा पुनर्विवाह को गोवा के क्षेत्र में जो है अनुमति प्रदान कर दी। इस तरह भारत की धरती पर विधवा पुनर्विवाह को या विधवा विवाह को भी लीगल जो है मैटर घोषित करने वाला पहला व्यक्ति भी कौन था? अल्बुकर्क था। यानी विधवा पुनर्विवाह, कौन सा? विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह, पुनर्विवाह को जो है इसने अपने क्षेत्र में गोवा में लीगल जो है मान्यता प्रदान कर दी। और इस तरह गोवा में या गोवा के आसपास के जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग था जो कि सती प्रथा का जो है विरोध कर रहा था, उनकी सहानुभूति जीतने में जो है ये कामयाब हो गया। लेकिन अभी भी अंदर से जो है वही था वो। इवन दैट कि अपने सैनिकों को, अपने भाड़े के सैनिकों को जिनको कुछ जो है लाया गया था पुर्तगाल से, सबसे पहले जो है उन सैनिकों से को इसने उन विधवा महिलाओं से जो है शादी करने का सलाह देता है। और ये बात तब उजागर हुई जब जो है उसने पत्र अपने सम्राट को जो है लिखा। किसको? हेनरी नेविगेटर को। ये सबसे पहले खुशखबरी जो है भेजी गई कि हम लोगों ने गोवा पर अधिकार कर लिया। तो वहां पर उसने जो है इस तथ्य का उल्लेख किया कि भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने का पीछे मेरा उद्देश्य हिंदुस्तान में पुर्तगालियों की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ाना है। बहरहाल बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। आगे की तरफ जो है मैंने बताया कि सबसे पहले ये लोग जो है मारमा गोवा का युद्ध किया और मारमा गोवा का युद्ध करके इन लोगों ने जीत लिया। किसको? गोवा को। और गोवा जो है वर्ष 1510 से लेकर के और कब तक? 1961 तक पुर्तगालियों के कब्जे में रहा था, जिसको ऑपरेशन विजय के तहत जो है आजादी के 14 वर्ष बाद जो है मुक्त कराया गया। तो यह रहा था गोवा की जो है कहानी। उसके बाद अल्बुकर्क के शासनकाल में ही इन लोगों ने कब्जा कर लिया पुर्तगालियों ने, कहां पर? मलक्का पर। मलक्का पर कब्जा कर लिया। आप कहोगे कि ये मलक्का कहां पर पड़ता है? यहां पर इसके पीछे जो है क्या वजह था कि इन लोगों ने मलक्का पर अधिकार किया? तो आइए इस तथ्य को जो है आप लोगों के सामने जो है मैं बताता हूं। मलक्का पर इनका अधिकार जो है कब हुआ? तो इनका अधिकार मलक्का पर हुआ था वर्ष 1511 में। कब हुआ था? वर्ष 1511 में मलक्का पर इन लोगों का अधिकार हुआ। और कब से कब तक जो है रहा था? तो आप कहेंगे कि वर्ष 1511 से लेकर के 1541 तक जो है मलक्का पर इन लोगों ने अपना कब्जा जमाए रखा था। अब हुआ क्या? हुआ यूं कि मलक्का आज भी जो है आप देखते हैं किन दो देशों के बीच स्थित है। तो आप अगर जो है इसकी अवस्थिति को देखें, इसका लोकेशन को जो है देखेंगे तो पाएंगे कि मलक्का जो है इंडोनेशिया और
मलेशिया के बीच स्थित है। किसके किसके बीच है? इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच स्थित है, मलेशिया के बीच स्थित है। और किन दो महासागरों को जोड़ता है? तो अगर जो है पूछा जाए कि ये मलक्का की जल संधि किन दो महासागरों को जो है जोड़ती है, तो आप कहेंगे किसको किसको जोड़ती है, तो हिंद महासागर को, हिंद महासागर को, हिंद महासागर को किससे जोड़ती है, तो आप कहेंगे कि प्रशांत महासागर से कनेक्ट करती है। किससे? प्रशांत महासागर से कनेक्ट करती है, प्रशांत महासागर से जो है जोड़ने का काम करती है। यानी भारत का जो प्रवेश द्वार था, जो हिंद महासागर बंगाल की खाड़ी में एंट्री करने का ये वाला जो बेल्ट था, अगर जो है आप मैप उठा करके जो है देखें, तो इस वाले क्षेत्र से जो है इधर, यही तो बंगाल की खाड़ी होती है। यानी जो है जब हम लोग एंट्री करेंगे, या आज भी जो है जहाज एंट्री करते हैं, तो या तो सुंडा की जलसंधि से और नहीं तो मलक्का की जलसंधि से, मलक्का स्टेट से एंट्री करते हैं। 1511 में इन लोगों ने जो है इस पर कब्जा कर लिया, और इस पर कब्जा कर लिया तो एक तरीके से इनडायरेक्टली बंगाल की खाड़ी पर इन लोगों का अधिकार हुआ, और बंगाल की खाड़ी पर इन लोगों ने अपना कब्जा कर लिया। उसके पीछे उद्देश्य था, उसके पीछे उद्देश्य था कि भारत के साथ जो है व्यापारिक ये वाला जो है ये बेल्ट था बंगाल की खाड़ी, जो कि बर्मा तक ये इसका विस्तार तब भी था और आज भी, इस पर इन ये लोग अपना एकाधिकार चाहते थे और उसमें कामयाब भी हुए। ये सब कुछ हुआ किसके शासनकाल में? तो आप कहेंगे कि अल्बुकर्क के शासनकाल में हुआ। इसीलिए तो अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और ये कब तक रखा इन्होंने अपने कब्जे में? 1541 में। मलक्का को पुनः किसने मुक्त करा लिया? डचों ने। आगे मैं पढ़ाऊंगा कि वो कब आए थे। यानी मलक्का, मलक्का को पुनः डचों ने मुक्त कराया, डचों ने मुक्त कराया था, लेकिन अभी वो आए नहीं है। जब आएंगे तो उनके बारे में बताया जाएगा। मलक्का पर कब्जा करने के बाद भारत के इस वाले बेल्ट का जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है जिसको अरब सागर कहते हैं, अरब सागर, इधर से भी तो जो है व्यापार हो सकता था, तो जाहिर सी बात थी इनको कब्जा में करने के लिए इन लोगों ने होरमूज पर जो है कब्जा किया। और होरमूज पर इनका कब्जा 1500 कब हुआ? 1515 में। और कब तक रहा था? 1522 तक रहा था। होरमूज कहां पर स्थित है? तो कहोगे कि आज भी होरमूज की जलसंधि ईरान और किसको जोड़ती है? जी हाँ, यूएई को जो है कनेक्ट करने का काम करती है, संयुक्त अरब अमीरात को कनेक्ट करने का काम करती है। यूरोप से जो बाल्कन वाला बेल्ट है, उससे भारत में आने का जो है एक जलमार्ग था, और वो था फारस की खाड़ी में होकर के, फारस की खाड़ी में होकर के ओमान की खाड़ी, और वहां से होकर के अरब सागर और भारत जो है आया जा सकता था। यानी ये होरमुज जो है जल संधि या होरमुज बंदरगाह जो है किन दो खाड़ियों को जोड़ने का काम करता था? तो आप कहोगे कि फारस, फारस की खाड़ी को किससे कनेक्ट करता था? जी हाँ, ओमान की खाड़ी से जो है कनेक्ट करने का काम करता था, ओमान की खाड़ी से। यानी भारत के अगर जो है आप मैप उठा करके जो है देखेंगे, तो भारत का ये वाला बेल्ट है जिधर की अरब सागर है, यानी अरब सागर के क्षेत्र पर भी जो है इनका कब्जा हो गया, और जो है इधर बंगाल की खाड़ी पर भी जो है इन लोगों का कब्जा हो गया, इधर श्रीलंका पर भी जो है इनका कब्जा था। यानी जो है भारत के चारों तरफ जो समुद्री क्षेत्र था, सब पर इन लोगों ने कब्जा किया और स्वयं को सागरों का स्वामी के नाम से जो है संबोधित किया। किस नाम से जो है संबोधित किया? इन लोगों ने स्वयं को सागरों का स्वामी कहा था, सागरों का स्वामी, सागरों का स्वामी। आपसे पूछता है वो कौन सी जो है यूरोपियन शक्ति थी जो स्वयं को सागरों का स्वामी कहती थी? तो आप बताएंगे पुर्तगाली, स्वयं को सागरों का स्वामी के नाम से जो है संबोधित किया था। आगे जो है हम लोग देखते हैं, अब पुर्तगालियों ने जब भारत पर अपना अधिकार कर लिया, भारत पर अधिकार इन्होंने किया, गोवा पर अधिकार किया, तो किसको पराजित किया? इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों को। गुजरात पर कब्जा किया तो किसको पराजित किया? इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों, यानी इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों के खिलाफ जो है इन लोगों ने मोर्चा खोल रखा था। उधर उत्तर भारत की अगर जो है बात करें, तो उत्तर भारत से जो है लोधी वंश समाप्त हो चुका था और भारत पर बाबर की एंट्री हो चुकी थी, लेकिन बाबर जो है अभी अपने ही उत्तर भारत में ही युद्धों में जो है व्यस्त था, इसलिए दक्षिण भारत पर उसने कभी ध्यान दिया ही नहीं।
अकबर के शासन तक जो है दक्षिण भारत पर जो है ध्यान नहीं दिया। औरंगजेब आता है तब उसको दक्षिण भारत की चिंता जो है सताने लगती है। बहरहाल अब जब किन लोगों ने पुर्तगाल के लोगों ने भारत पर जो है अपना अधिकार जमाया, तो इन्होंने इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों को जो है पराजित किया, और इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों का उस समय सबसे बड़ा मसीहा जो हुआ करता था वो तुर्की था। आज भी ये अपने को जो है इस्लाम धर्म के मानने वाले देशों का नेता जो है समझता है, जो यूरोप और एशिया के बीचों बीच स्थित है, जिसे यूरोप का मरीज कहा जाता है। जब धारा 370 हटाई गई थी वर्ष 2019 में, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहले अगर पाकिस्तान के फेवर में किसी ने बोला धारा 370 के संदर्भ में, तो जो है तुर्की ने बोला था, उसके बाद मलेशिया ने जो है मुंह खोला था। बहरहाल तुर्की के उस समय जो है शासक थे जिनका नाम था जो है क्या सुलेमान रईस। क्या नाम था? सुलेमान रईस। कुछ ज्यादा रईस थे, और सुलेमान रईस एक विशाल सेना लेकर के और पुर्तगालियों पर आक्रमण करता है। मामला किससे था? पुर्तगालियों से और मुसलमानों से। मुसलमानों के फेवर में, इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों के फेवर में भारत पर अटैक करता है कौन? सुलेमान रईस। और उसका प्रथम आक्रमण होता है कब? 1529 में। दूसरा होता है कब? 1538 में। तीसरा होता है कब? 1551 में। और चौथा होता है कब? 1554 में। तो आपसे पूछा जाए कि पुर्तगालियों के विरुद्ध भारत पर तुर्की का जो है कुल कितनी बार आक्रमण हुआ था? कुल 4 बार आक्रमण हुआ था। कितनी बार? कुल 4 बार आक्रमण जो है हुआ था। आइए एक एक करके जो है हम लोग देखते हैं। पहला आक्रमण 1529 में हुआ, और कहां पर हुआ था? गुजरात पर हुआ था। कहां? गुजरात, जिसको किस नाम से जाना जाता था उन दिनों? पाटन के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? पाटन के नाम से जाना जाता था। आज भी पाटन की पहाड़ियां वहीं पर स्थित है। कहां पर? गुजरात में। गुजरात पर इन लोगों ने जो है आक्रमण किया। आक्रमणकर्ता कौन था? आक्रमणकर्ता तो आप कहेंगे आक्रमणकर्ता था सुलेमान रईस। और सुलेमान रईस जो है कहां का शासक था? तो आप कहेंगे कि जिसको अब हम लोग तुर्की कहते हैं, तब तुर्की कहा जाता था। तुर्की का बादशाह था ये। तुर्की का जो है बादशाह नहीं, इनको सुल्तान इन लोगों को कहा जाता था। सुल्तान था ये, और इसने अटैक किया। कहां पर अटैक किया? गुजरात पर जो है अटैक किया। तो परिणाम क्या हुआ? नीचे देखेंगे परिणाम। परिणाम क्या हुआ उस समय? वर्ष 1529 में पुर्तगालियों का जो गवर्नर था, जिसका नाम था नुनोट कुन्हा। कहीं कहीं लिखा मिलेगा ननद कुन्हा। अब क्या करें, उन सबों का वैसा ही नाम होता था। सुलेमान पासा को उसने पराजित कर दिया। सुलेमान रईस जो है पराजित हुई उसकी सेना, क्योंकि पुर्तगालियों की जल सेना जो थी उसका कोई तोड़ नहीं था, कोई जवाब नहीं था। और ये लोग जो है गुजरात पहुंच गए जरूर, लेकिन गुजरात से आगे नहीं बढ़ पाए। कच्छ और भुज के दलदली क्षेत्रों में ही जो है इनको दलदला दिए सब। बहरहाल परिणाम क्या हुआ? क्या कहेंगे? नुनोट कुन्हा पुर्तगालियों का ये गवर्नर था। नुनोट कुन्हा ने विजयश्री प्राप्त किया। यानी कौन विजयी हो गए? पुर्तगाली विजयी हो गए। और पुर्तगाली विजयी हुए तो जाहिर सी बात थी उनका यश और बढ़ा, और भारत में और भी जो छोटे शासक थे उन पर इनका प्रभाव जो है बढ़ गया। तुर्की का भारत पर दूसरा आक्रमण जो हुआ था, द्वितीय आक्रमण 1538 में हुआ था। कब हुआ? दूसरा आक्रमण कहेंगे 1538 में। और ये कहां पर हुआ था? तो ये जो है आक्रमण हुआ था कहां पर? दीव, दमन दीव, वही दीव। दीव पर आक्रमण हुआ, और आक्रमण करने वाला जो व्यक्ति था, आक्रमणकर्ता जो है कौन था? तो आप कहेंगे कि आक्रमणकर्ता या आक्रमणकारी जो व्यक्ति था वो सुलेमान पासा।
सुलेमान रईस का भाई था सुलेमान पासा, और ये भी आए तो भारत में जो है पासा पलट गया, इनको भी पराजित कर दिया गया, ये भी जो है हार गया, और हार गया तो जो है वापस चला गया। यानी जो है परिणाम क्या हुआ, अगर जो है पूछा जाए कि इस युद्ध का जो है परिणाम क्या हुआ, तो कहेंगे कि इस युद्ध का जो है परिणाम हुआ, गार्सिया डी कुन्हा, ये पुर्तगालियों के गवर्नर थे, गार्सिया डी कुन्हा विजयी हुआ। इसको जो है अब विजयश्री प्राप्त हुई, इसको विजयश्री प्राप्त हुई, ये भी पुर्तगालियों का गवर्नर था गार्सिया डी कुन्हा, इन्होंने पराजित कर दिया। तीसरा जो आक्रमण होता है, आपसे सबसे अधिक इससे जो मैटर पूछा जाता है, पुर्तगालियों ने, पुर्तगालियों के खिलाफ भारत पर तुर्की ने पहला अटैक कब किया, कहाँ किया, ये सबसे ज्यादा जो है पूछा जाता है। बहरहाल तीसरा आक्रमण 1551 में हुआ, और 1551 में कहाँ पर हुआ, भुज, भुज ये कहाँ पड़ता है, तो आज भी जो है गुजरात में ही पड़ता है, तब तो खैर गुजरात जो है शब्द ही नहीं हुआ करता था। और उस समय जो आक्रमणकारी व्यक्ति था, उस समय तुर्की का जो शासक जिसने आक्रमण किया, फारस ने इनडायरेक्टली, जिसको अब हम लोग जो है ईरान, इराक और जो है ईरान के नाम से जो है जानते हैं, इसने भी जो है इनकी मदद की। आक्रमणकारी जो है पेरी रईस था, कौन था, पेरी रईस था, पेरी रईस। परिणाम क्या हुआ, परिणाम, परिणाम तुर्क हार गए, तुर्क पराजित हो गए, हर बार आए हर बार लात खा करके जो है वापस गए। कहां पर तीसरी बार अटैक किया था, भुज पर जो है अटैक किया, और चौथी बार जो है इनका आक्रमण जो हुआ था, चौथी बार इन लोगों का आक्रमण हुआ, तो आप कहेंगे कि कहां पर हुआ था, तो चौथी बार जो इनका आक्रमण जो है केनरा के तट पर हुआ। केनरा तट जो है कहां होता है, तो आप कहेंगे कि ये हम लोगों का दक्षिण भारत, और जो कर्नाटक का क्षेत्र है, जो कर्नाटक वाला बेल्ट है, कर्नाटक के जो है ये समुद्री तट को, जैसे केरला के समुद्री तट को मालाबार कहा जाता है, गोवा के समुद्री तट को कोंकण कहा जाता है, महाराष्ट्र के समुद्री तट को सह्याद्री कहा जाता है, इसी तरह केनरा के समुद्री तट को जो है, सॉरी, कर्नाटक के समुद्री तट को क्या कहा जाता था, केनरा कहा जाता था। यहीं पर इन लोगों ने अटैक किया, क्योंकि हर बार इधर जो है इन लोगों को हार का जो है मुंह देखना पड़ा। लेकिन इस बार जो आक्रमणकारी था, आक्रमणकारी जो व्यक्ति था, वो भी उसी खानदान का था, और आक्रमणकारी कौन था, आप कहेंगे अली रईस था, अली रईस। रईस मारा गया, और उसके बाद जो है फिर इन लोगों का फिर कभी जो है आक्रमण नहीं हुआ। परिणाम तुर्क हार गए, तुर्क हार गए। तो इस तरह पुर्तगालियों के खिलाफ, पुर्तगालियों के खिलाफ तुर्कों का, तुर्की वालों का भारत पर चार चार बार अटैक हुआ, और ये लोग आपस में युद्ध करते रहे, लेकिन भारतीय राजाओं से इससे कोई सरोकार नहीं रहा था। आगे देखा जाता है, कार्टज आर्मेडा जो है काफिला व्यवस्था लाया इन लोगों ने। दरअसल हुआ क्या, अब तो तुर्की को चार चार बार जो है हराने के बाद इन लोगों का भी जो है उस समय सितारा सातवें आसमान पर था। इधर अरब सागर को इन लोगों ने कब्जे में कर लिया, इधर पूरी बंगाल की खाड़ी जो है इन्हीं के कब्जे में थी, हिंद महासागर वाला बेल्ट जो है पूरा का पूरा जो है इंडियन ओशियन इनके पास था। इसीलिए तो ये खुद को क्या कहते थे, सागरों का स्वामी कहते थे, सागरों का स्वामी कहते थे। कौन जी, पुर्तगाली अपने को सागरों का स्वामी कहते थे। और कार्टज आर्मेडा काफिला व्यवस्था जो है लाया इन लोगों ने। कार्टज का मतलब होता है परमिट, क्या मतलब होता है परमिट। इन्होंने क्या कह दिया कि भाई जो लोग बंगाल की खाड़ी से या अरब सागर से व्यापार करेंगे उनको हम पुर्तगालियों से परमिट लेना पड़ेगा। गोवा तब इनका जो है मुख्यालय हो चुका था, वर्ष 1530 में ही गोवा को मुख्यालय बना दिया गया, हेडक्वार्टर बना दिया गया, और वहां से ये लोग परमिट देना शुरू कर दिए। तो इनकी लैंग्वेज में, पुर्तगीज लैंग्वेज में कार्टेस का मतलब होता था क्या, परमिट। आर्मेडा का मतलब क्या होता था, आर्मेडा का मतलब क्या होता था, तो आर्मेडा का जो है मतलब होता था शक्ति, और इसका मतलब था कि आप अगर पुर्तगाली नहीं हैं तो अरब सागर से होकर के अगर भारत में आना चाहते हैं तब, या भारत से जो है होकर के, भारत से जो है
अरब सागर से होकर के कहीं जाना चाहते हैं या बंगाल की खाड़ी से होकर के जाना चाहते हैं, किसी भी समुद्री यात्रा से समुद्री रास्ते से होकर के जाना चाहते हैं, तो आपको जो है कार टैक्स देना पड़ेगा, यानी टैक्स पे करना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा। जो लोग परमिट लेते थे तो पैसा देते थे, यानी उस समय का जो सबसे ताकतवर शासकों में से एक था अकबर, अकबर को भी कार्टेज देना पड़ता था। आप सोच सकते हो कि इनका उस समय तक करीब 50 जो है किले हो चुके थे पूरे भारतवर्ष में, और इनकी जो जल शक्ति थी उसका भारत में कोई जोड़ ही नहीं था। और जो व्यक्ति व्यापार करता था, अगर सपोज करो कि यहां से जहाज जो है अगर जो है चला है कहां से, कोची से, तो जो व्यापारी जहाज होता था उस व्यापारी जहाज के साथ जो है पुर्तगालियों का काफिला जाता था, इनकी जहाज का भी काफिला जो है जाया जाता था। और चाहे भारत में एंट्री करें या भारत के बाहर व्यापार करें, इन जो है इन लोगों ने काली मिर्च पर, काली मिर्च मसाला और गोला बारूद, उस समय का सबसे जो है खतरनाक हथियार यही था, गोला बारूद था, मिर्च मसाला, यानी किसी को भी काली मिर्च या मसालों का व्यापार करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि सबसे अधिक फायदा जो है होता था यूरोप के देशों में मसालों का व्यापार करने की वजह से। तो जाहिर सी बात थी, जो सबसे अधिक जहां से मनी अर्निंग हो सकती थी उस सेगमेंट को पुर्तगाली लोगों ने, पुर्तगालियों ने अपने पास जो है रखा। और तीर धनुष तलवार के अलावा उन दिनों जो सबसे बड़ा जो है वेपन्स था, हथियार था, वो था जो है गोला बारूद। यानी कहने का मतलब कि भारत में न कोई गोला बारूद लेकर के जो है आएगा और न ही जो है वो पुर्तगालियों को हरा पाएगा, क्योंकि इनकी जो है जल सेना इतनी जो है जबरदस्त थी कि इस पर उनको डुबाया जा सकता था, तो सिर्फ जो है हाथ गोले फेंक करके, बारूद फेंक करके ही जो है उनके काफिले को नष्ट किया जा सकता था। यही वजह था कि इन लोगों ने इस पर रोक लगा दिया। यानी कार्टेज अर्मेडा का जो है पीछे उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य ये था इन लोगों को अपना साम्राज्य भारत में सुरक्षित रखना। और उसका प्रभाव क्या हुआ, उसका प्रभाव हुआ कि पुर्तगाली एक राजनीतिक शक्ति बन गए, एक राजनीतिक शक्ति बन गए। आए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन हालात ये हो गया कि उस समय का सबसे ताकतवर शासक अकबर को भी कार्टेज लेने पर इन लोगों ने विवश किया। यही थी जो है कार्टेज अर्मेडा काफिला व्यवस्था। कार्टेज व्यवस्था को जो लोग नहीं मानते थे तो उनको पुर्तगालियों के कोपभाजन का जो है शिकार होना पड़ता था, या नहीं तो दूसरा काम जो है ये करते थे कि जो लोग अगर जो है परमिट नहीं लेते हैं तो भाई अगर उनके साथ कोई हादसा होता है, उनके साथ जो है कोई समुद्री लुटेरा लूटपाट करता है तो हम लोग जिम्मेदार नहीं होते। और जो लोग कार्टेज नहीं लेते थे उनको यही पुर्तगाली लूट लेते थे और कहते थे जब कार्टेज नहीं लेंगे तो भाई आप जानेंगे, आपका काम जाने, कार्टेज आप लिए होते तो हम आपकी सुरक्षा में आपके साथ साथ चलते। यानी किसी भी तरीके से पुर्तगालियों की जो व्यवस्था थी उससे कोई बाहर नहीं जा सकता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज भारत के किसी क्षेत्रों में आज देखते हो जो रंगदारी जो वसूल करता है सबसे रंगदारी लेता है, और जो व्यक्ति रंगदारी नहीं देता है वही उसको जो है टार्चर करता है, लूट लेता है, और कहता है कि मैं कहा था ना अगर सुरक्षित हमारे क्षेत्र में रहना है तो रंगदारी देना है। तो वही स्थिति जो है इन लोगों की पुर्तगालियों की थी। यही कार्टेज अर्मेडा काफिला व्यवस्था थी। आई होप कि इसको जो है आप समझ पाए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं पुर्तगालियों का धार्मिक प्रभाव क्या था। पुर्तगाली जब जो है भारत पर कब्जा कर लिए तो 1540 में इन लोगों ने सबसे पहले मंदिरों को तोड़ा। 1540 का जो है दौर वो दौर था, 1540 का जो है वो दौर था जब जो है दिल्ली पर शेर शाह सूरी का जो है शासन हो चुका था। शेर शाह सूरी का दिल्ली पर जो है शासन हो चुका था, हुमायूं निर्वासित हो चुका था 1540 में, और भारत पर मुस्लिम शक्ति का बढ़ता हुआ प्रभाव जो है देख करके अब जो है पुर्तगालियों ने अपना पासा जो है पलटने अपना जो है विचार बदल दिया। उधर जो तुर्की या अरब के जो देश थे वहां पर भी इस्लाम धर्म के लोग जो है सबसे अधिक थे, जिनके साथ इनके व्यापारिक जो है संबंध थे।
सबसे अगर जो है आर्थिक स्थिति डवाडोल किसी की थी तो हिंदू धर्म के लोगों की थी। और यही वजह था कि 1540 में गोवा और उसके आसपास के क्षेत्रों में जितने भी मंदिर थे उन सबको जो है तोड़ दिया गया। यानी इनका भी जो है भारत में अब इनका भी अगला जो है उद्देश्य था और वो क्या था, जी हाँ, ईसाई धर्म को बढ़ावा देना, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना इनका भी जो है उद्देश्य हुआ। और एक ऐसा किया क्यों गया, क्योंकि सेंट जेवियर फ्रांसिस जो कि एक बहुत बड़े उस समय के जो है संत थे और उन दिनों गोवा इनका जो है हेडक्वार्टर इन लोगों का हुआ करता था। जब इनका 1542 में भारत में जो है आगमन होना था, इनका आगमन जो है 1540 में ही होना था, लेकिन किसी वजह से 1542 में जब इनका आगमन होता है, ये वायसराय के साथ जो है पुर्तगाली वायसराय के साथ भारत आया था और वहां के ईसाई धर्म का जो है पादरी भारत में आए और गोवा में आए जहां गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था और वहां पर मंदिर दिखे। यही वजह था इनके आने की वजह से पहले ही ये सब जो है मंदिरों को तोड़ दिया गया, समाप्त कर दिया गया और चर्च का जो है निर्माण कराया गया। इन लोगों ने जिस स्थापत्य कला को जो है भारत में स्थापित किया उसको जो है गोथिक कला के नाम से जो है जाना गया। किस नाम से जाना गया, इनकी स्थापत्य कला को गोथिक कला के नाम से जो है जाना गया। चर्च की स्थापना तो भारत में वैसे पहले जो है सबसे पहले अगर जो है पूछा जाए तो 52 ईस्वी में जो है त्रिशूर में हुई। और त्रिशूर कहाँ पड़ता है, केरल में 52 ईस्वी में सबसे पहले जो है वहीं पर चर्च की स्थापना किया गया था। लेकिन पुर्तगालियों ने सबसे पहले चर्च की स्थापना जो है कहां पर किया, गोवा में, जो आज भी स्थित है। जेसुइट मिशन क्या था, तो जेसुइट मिशन जो है आपको जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 1580 में, कब 1580 में पुर्तगालियों का एक समूह दिल्ली वहां पर फतेहपुर सीकरी में शासन कर रहा अकबर से जो है मिला था और उसी समय अकबर ने इस मिशन के लोगों को, जेसुइट मिशन के जो है लोगों को आगरा में चर्च बनाने का जो है आदेश दिया था। इतना ही नहीं, इन्हीं जेसुइट मिशन का उस समय जेसुइट मिशन का जो प्रमुख था जिसका नाम था जो है एका विवा, क्या नाम था, एका विवा, इसी के नेतृत्व में मानसरेट और एका विवा के नेतृत्व में ये पादरियों का एक समूह जो है कहां पर गया था, तो आप कहेंगे कि आगरा में गया था। और किससे मिला था, तो फतेहपुर सीकरी में अकबर से मिला और अकबर ने इन लोगों के कहने पर ईसाई धर्म के प्रति जो है अपना लगाव जो है प्रदर्शित किया। और लगाव जो है ईसाई धर्म के प्रति नहीं था, बल्कि इनकी आर्थिक और राजनीतिक स्थिति इतनी अच्छी थी, किसकी, पुर्तगालियों की, कि अकबर महोदय ने इनके आर्थिक प्रभाव का जो है आकलन किया, न कि जो है ईसाई धर्म के प्रति इन्होंने दीवानगी इनकी हो गई थी। उसी का प्रभाव था कि अकबर ने अपनी पत्नी को मरियम उजमानी की जो है उपाधि उसी समय दिया था। और ईसाई धर्म के लोगों का एक समूह जो कि एका विवाह के नेतृत्व में 1580 में अकबर से जो है जाकर के मिले थे, कहां पर इबादत खाना। और ये इबादत खाना कहां बनाया गया था, तो अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया था। बढ़ते हैं और देखते हैं अगले कुछ जो है महत्वपूर्ण पुर्तगालियों से तथ्य और वो जो है पुर्तगालियों से संबंधित जो है प्रमुख तथ्य ये है कि भारत में पुर्तगाली आए व्यापारी बनकर के, उसके बाद जो है अपना राजनीतिक अधिकार जो है स्थापित किया। लेकिन उसका जो है कुछ अच्छी बात ये रही कि पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में आलू टमाटर काजू तंबाकू रबर पपीता लिख लीजिए, वो ज्यादा सही रहेगा, पपीता, हालांकि तुर्की शब्द ही है पपाया, पपीता, ऐसे जो है तमाम जो मटेरियल था भारत में पुर्तगालियों के द्वारा ही लाया गया और भारत के लोगों से जो है परिचित कराया गया। और आज तक इन लोगों ने तंबाकू को लाया,
वो भी तंबाकू, वो वाली तंबाकू ये लोग लाए थे जिसको जो है गांव में आज भी लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं, यानी खैनी। और दक्षिण भारत में जो है उसका इतना गंदा टेस्ट होता है, आज भी कुछ लोग मुंह में भर करके चल देते हैं तो लगता है कि नाबदान इधर से ही गुजरता है, लेकिन अब तो खैर फैशन बन गया है। इन लोगों ने दक्षिण भारत के लोगों को जो है बेवकूफ बना करके बेच दिया कि हम पुर्तगाली, हम यूरोप के लोग गोरे इसलिए हैं क्योंकि हम लोग तंबाकू खाते हैं, हम लोग आज तक गोरे हो रहे हैं। इतने पढ़े लिखे जड़ जाहिल जो है बैल कुछ ऐसे हैं कि गुटखा भी तो वो भी तो तंबाकू है, उस पर लिखा होता है कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है, लेकिन जितना लिखा होता है तंबाकू खाने से कैंसर होता है उतना हिस्सा जो है उफाड़ के फेंक देता है, यानी कैंसर वाला हिस्सा बाहर और जो फ्रेश होता है उसको जो है तुरंत जगह पकड़ा देता है। बहरहाल ये सब मटेरियल भारत में लाने का काम पुर्तगालियों के द्वारा ही किया गया था। दूसरा जो है फैक्ट मैंने पीछे बताया था कि इन्होंने जो है स्वयं को सागरों का स्वामी कहा था, स्वयं को सागरों का स्वामी कहा। किन लोगों ने कहा था? पुर्तगालियों के द्वारा जो है स्वयं को सागरों का स्वामी कहा गया। उससे भी अच्छी बात जो है एक बता दें कि भारत में जो है प्रेस, भारत में प्रेस वो वाला प्रेस, समझ गए हैं ना, प्रिंटिंग प्रेस, अगर जो दिक्कत है तो मैं लिख देता हूं, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना जो है सबसे पहले इन्हीं लोगों के द्वारा जो है गोवा में किया गया था। और इन लोगों ने भारत में जो स्थापत्य कला स्थापित किया उसको गोथिक स्थापत्य कला के नाम से जाना गया, इन्होंने भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित तो किया जरूर, लेकिन शेर को भी कभी सवा शेर से मुलाकात होती है। और ऐसा ही हुआ जब हिंदुस्तान की धरती पर यूरोप में इनका आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव से प्रभावित होकर के इनका पड़ोसी देश जिसको जो है डच के नाम से जाना जाता है, जिसको नीदरलैंड या फिर जिसको आप कह सकते हो कि हॉलैंड के नाम से जाना जाता है, डच लोगों का भी भारत में आगमन हुआ और भारत में पुर्तगालियों का पतन हुआ तो किसके हाथों? उनके पड़ोसी डचों के हाथों जो है हुआ था, जिसको मैं अगले क्लास में आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। इस क्लास में बस इतना ही, आज बस इतना ही। आप लोग अपने बहुमूल्य विचार जो है जरूर कमेंट करके बताना। इस सेशन में बस इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट। शुभ रात्रि।